इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बगल में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। टमाटर बड़ी चटनी बनाने के लिए इस प्रकार का सामग्री लगता है। बड़ी, फ्राई किया हुआ लहसुन, गरम मसाला और हल्दी, प्याज, टमाटर कटा हुआ, हरी मिर्च बीच से कटा हुआ। आज इसी स्टोव में हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले मिट्टी तेल डाल देते हैं, उसके बाद इसमें बनाएंगे। स्टोव जल गया है, इसके ऊपर अपने बर्तन को रखते हैं और इसके सरसों तेल डालते हैं। सरसों तेल गर्म होने के बाद हरी मिर्चा डालेंगे, उसको थोड़ा सा हिला देंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह से मिला देंगे और उसमें प्याज को पकने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके ऊपर में, ताकि जल्दी प्याज पक जाए। और इसको हम ढक देंगे, फिर देखते हैं निकाल के तो प्याज कितना पका है। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, इसको थोड़ा सा लाल हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर में हम इसके ऊपर टमाटर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। टमाटर अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें हम गरम मसाला और हल्दी का जो मिश्रण है इसको डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। टमाटर अच्छी तरह से पक गया है, उसके बाद लहसुन को डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा देर के बाद बड़ी को डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि लहसुन पूरा टमाटर और बड़ी के साथ मिल जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर और बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पक जाए। इसी प्रकार हम लोग का रेसिपी तैयार हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से और ये हम लोग का बड़ी और टमाटर चटनी तैयार हो गया और इसको अभी हम सर्व करेंगे। इस रेसिपी को आप घर में भी आराम से बना सकते हैं एक दो आदमी के लिए। और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।